त्रिपुरा में चुनावी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनीतिक विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए त्रिपुरा के विकास पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज त्रिपुरा के अम्बासा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में पहले एक ही पार्टी को झंडा फहराने की इजाजत थी, लेकिन आज बीजेपी सरकार ने त्रिपुरा को डर, भय और हिंसा से मुक्ति दी है। पहले त्रिपुरा में सिर्फ वामपंथी काडर को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। अब भाजपा सरकार में त्रिपुरा के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले त्रिपुरा में लोग पुलिस थाने तक मुश्किल से पहुंच पाते थे, पहुंचने के पहले भी चंदा देना पड़ता था, पहुंचने के बाद भी चंदा देना पड़ता था, थानों पर भी सीबीएम कैडर का ही कब्जा था। अब भाजपा के शासन में त्रिपुरा में कानून का राज स्थापित हुआ है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट के लोग छल कपट में जुटे हैं, कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है। साथियों, मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं, कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं, कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है, साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी आपकी सेवक की तरह है, आपके सच्चे साथी की तरह है, आपकी हर चिंता दूर करने का काम दिन रात मेहनत करके कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाते हुए त्रिपुरा के विकास पर जोर दिया। मैं त्रिपुरा बीजेपी की सराहना करूंगा, जितने बहुत मंथन करके यहां के गांव गांव जाकर के लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या कहना चाहते हैं, हर किसी से सुझाव लेकर के एक सशक्त संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र साबित करता है कि भाजपा जो कहती है वो वही होता है जो आप चाहते हैं, और भाजपा वही करती है जो आपकी प्राथमिकता होती है, आपकी जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र ये साबित करता है कि बीजेपी वही करती है जो आप चाहते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। राज्य की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। जाहिर है पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टी का गढ़ हारने के बाद अब बीजेपी के सामने त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली के जरिए बड़े मैसेज दिए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।